हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज ये संडे और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अध्यात्म का विषय। हर संडे को मैं आपके लिए लेके आता हूँ अध्यात्म का विषय। आज अपन बात करेंगे कि शेर माता पार्वती का वाहन कैसे बना, आखिर इसके पीछे कौन सी कथा है जो अपन आज जानेंगे। मार्कंडेय पुराण में एक कथा आती है, उस कथा के बारे में आज अपन जानेंगे। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव जी कैलाश पर बैठे कुछ वृतांत कर रहे होते हैं आपस में, तो भगवान शिव माता पार्वती को एक बार ऐसे ही काली कह देते हैं। तो माता पार्वती को यह बात चुभ जाती है, उनको यह बात अपना परिहास लगता है। माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट होकर चली जाती है और उनसे कहती है कि मैं तब तक नहीं आऊंगी जब तक मैं गोरी नहीं हो जाती। यह बात कह के माता पार्वती कैलाश पर्वत से निकल जाती है। वो जाती है वन में, घूमती है इधर उधर और ऐसी जगह पहुंचती है जहां कोई नहीं हो, और एक ऐसी चोटी दिखती है, एक ऐसा पर्वत दिखता है ऊंचा सा, जहां पर पशु पक्षी तो क्या, पक्षी भी वहां पर नहीं पहुंच पाए, नीचे जानवर से भी अगर चढ़े तो उस चोटी पर ना पहुंच पाए। तो माता पार्वती को चोटी अच्छी लगती है तपस्या करने के लिए, और माता पार्वती उस चोटी पर बैठकर भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगती है गोरी होने के लिए। तो वही वन में एक भटकता हुआ शेर भी वहां आ जाता है। शेर खूब कोशिश करता है उस चोटी पर पहुंचने के लिए माता पार्वती को खाने के लिए, लेकिन शेर ऊपर चढ़ नहीं पाता है। तो शेर क्या करता है कि उस चोटी के नीचे खड़ा रहता है और वो इंतजार करता है कि कब माता पार्वती गिरेगी और मैं माता पार्वती को खाऊंगा। अब देखिए विचित्र स्थिति देखिए आप। अब सालों साल बीत जाते हैं, माता पार्वती तपस्या में लीन रहती है और वही इंतजार शेर भी माता पार्वती का करता है। देखिए इतने सालों तक शेर भी माता पार्वती की इंतजार करता है खाने के लिए कि कब वो नीचे गिरेगी और कब मैं माता पार्वती को खाऊंगा। जब एक समय ऐसा आता है, ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं माता पार्वती की तपस्या से और माता पार्वती को कहते हैं कि आप वरदान मांगिए, आपको क्या वरदान चाहिए। तो माता पार्वती कहती है कि हे भगवान, मेरे को वरदान देने से पहले इस शेर को भी वरदान दीजिए। मेरे साथ साथ इसने भी तपस्या की है, इसने भी वही तपस्या की है जो मैंने की है। भले ही इसने लोभ या लालच में तपस्या की है, भले इसने लोभ लालच मुझे खाने के लिए तपस्या की है, लेकिन इसने तपस्या की है, तो आप मेरे साथ साथ इसको भी, इस शेर को भी वरदान दीजिए। तो परम ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा शेर को वरदान देते हैं कि आज से तुम माता पार्वती का वाहन बनोगे और विश्व में अपराजित रहोगे, तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा और अनंत काल तक जीने की उनको उस शेर को वरदान देते हैं और माता पार्वती को भी वरदान देते हैं। तो इस प्रकार ये छोटा सा वृतांत है कि कैसे शेर माता पार्वती का वाहन बना। इस कहानी से, इस वृतांत से, इस कथा से अपन को एक सीख मिलती है कि अगर आप अच्छे जनों के सानिध्य में रहोगे, अगर आपका मनोभाव भले ही आपका लोभ लालच का है, लेकिन अगर आप अच्छे जनों के सानिध्य में रहोगे तो भगवान आपको फल जरूर देगा। इस कहानी से सीख मिलती है कि शेर का मकसद भले ही माता पार्वती को खाने का था, लोभ लालच का था, लेकिन उसकी जो तपस्या थी, उस तपस्या के कारण से वो माता पार्वती का वाहन बनता है। तो इस कारण अगर आप किसी बड़े अच्छे और सत्पुरुष व्यक्तियों के सानिध्य में रहते हो तो साथ में आपका भी भला हो जाएगा। भले आप बुरा करते हो, लेकिन आप उनकी छत्र छाया में रहोगे तो कभी न कभी आप अच्छा करोगे और आपको अच्छा फल मिल सकता है। इसी के साथ आज यहीं मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसे ही अध्यात्म के रिलेटेड विषय मैं आपके लिए लाता रहूँगा।